आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। धनता के जलपति जीवन को चेतन काटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती कवि एवं जितने साथ में आए पधारे दूर दूर से क्षेत्रों से आए हुए कवियों को मेरा सभी को नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल, ये कार्यक्रम बहुत समय लंबे समय से चला आ रहा है और इसको हम बहुत समय से सुनते देखते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे पहली बार शामिल होने का मौका मिला। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस मंच में आज खड़ी हूँ। जिसे हम देखते थे आज हम वहाँ खड़े हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मेरे काव्य पाठ के प्रारंभ में के सबसे पहले मैं अपना परिचय अपनी चार लाइनों में देना चाहूँगी। दर्द की स्याही से लिखी हुई एक कहानी हूँ मैं, दर्द की स्याही से लिखी हुई एक कहानी हूँ मैं। अनबुझी प्यास हूँ और बहता पानी हूँ मैं, अनबुझी प्यास हूँ और बहता पानी हूँ मैं। मेरी आवाज़ कानों में मधुरस घोल दे, मेरी आवाज़ कानों में मधुरस घोल दे, ऐसी मीठी सरस सरल वाणी हूँ मैं। कवियों के चौपाल के संबंध में मैंने चार लाइन लिखने का प्रयास किया है इस कार्यक्रम के संबंध में, कि कृष्ण मंडली में शामिल है बाल सखा और ग्वाल, कृष्ण मंडली में शामिल है बाल सखा और ग्वाल। अलग अलग परिवेश से आए कवि करे कमाल, अलग अलग परिवेश से आए कवि करे कमाल। बहुत निखरती है देखो हर साल दर साल, बहुत निखरती है देखो हर साल दर साल,
यमुना तट पर खूब सजी है कवियों की चौपाल। यमुना तट पर खूब सजी है कवियों की चौपाल। तब मैं अपनी कविता का प्रारंभ करूंगी कि हम इस बड़े दिल्ली शहर में खड़े हैं, जो मैं जिस क्षेत्र से आई हूँ ग्रामीण परिवेश है वो, तो आप सभी को मैं उस ग्रामीण परिवेश की ओर लेकर चलती हूँ। चल चले गांव में अब शहर भूल कर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर, आए थे गांव की जो डगर भूल कर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर, चल के हम पंछियों की चहचहाहट सुने, चल के हम पंछियों की चहचहाहट सुने, बहती ठंडी हवाओं की आहट सुने, बहती ठंडी हवाओं की आहट सुने, इस बड़े शहर के शोर को भूल कर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर, अपनी गांवों की पगडंडियों में चले, अपने गांवों की पगडंडियों में चले, घर के आंगन की छाँव में फूले पले, घर के आंगन की छाँव में फूले पले, ये भटकता हुआ सा सफर भूल कर, चल चले गांव अब शहर भूल कर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर, गांव का बूढ़ा बरगद पुकारे तुझे, गांव का बूढ़ा बरगद पुकारे तुझे, ढूंढे अमराइयों की बहारें तुझे, ढूंढे अमराइयों की बहारें तुझे, ये चल चले गांव में अब शहर भूल कर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर, इस शहर की नशीली हवाओं में तू, जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली में आज बहुत पॉल्यूशन है, तो इसी बारे में चार लाइन। इस शहर की नशीली हवाओं में तू खो गया है कहीं इन फिजाओं में तू, खो गया है कहीं इन फिजाओं में तू, आया गाँव की आबो हवा भूल कर, चल चले गाँव में अब शहर भूल कर। अब इस शहर में बस गए हैं तो यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, उसके संबंध में चार लाइन। है पता ये मुझे जाना मुमकिन नहीं, है पता ये मुझे जाना मुमकिन नहीं, अब तेरा यूं भटकना मुनासिब नहीं, अब तेरा यूं भटकना मुनासिब नहीं, पूरा दिन ना सही कर कुछ पल की गुजर, चल चले गांव में अब शहर, चल चले गांव में अब शहर भूल कर। जब हम अपने घर द्वार से, घर क्षेत्र से दूर हो जाते हैं, तो उसकी तुलना पक्षी से की है कि घोंसला छोड़ कर पंछी उड़े जाते हैं, घोंसला छोड़ कर पंछी उड़े जाते हैं, दूर अब
ठिकाना बना लेते हैं, दूर अपना ठिकाना बना लेते हैं। जैसे होते बड़े उनके आते हैं पर चल चले। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि, नए नए कवियत्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, नए नए बच्चे यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आए और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तिलक चांदना है। सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल का ये उपक्रम अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में चलता है। गत 15 वर्षों से इसके माध्यम से जो मौलिक अभूतपूर्व काम इसकी सारी टीम कर रही है, मैं उनको इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। कवि कविता और साहित्य का जो सही धारा प्रवाह होना चाहिए, उसके नए नए मापदंडों को स्थापित कर रहा है ये प्लेटफॉर्म, सतमोला कवियों की ये चौपाल। मैं सभी कवियों को, संचालक मंडल को इस बात की बधाई देता हूँ कि जिस मेहनत और लगन से गत 15 वर्षों में उन्होंने काम किया है, उसी लगन और मेहनत से इस मंच को अगले दशक में और अगले दशकों में इसी गति के साथ वो आगे बढ़ाएंगे, इस बात की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश इस मंच से लाभान्वित होगा और साहित्य और कविता के आयाम को नई ऊंचाइयां देगा। धन्यवाद। आए रे तू राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलपति जीवन को चेतन जाता बदल गया। रंगीन विद सतमोला नमकीन,
इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बनें। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।